now. Press the bell icon. Never miss an update. हाय गाइस, तो हम आ गए हैं बिलहरी गांव। बिलहरी गांव में आप यहां तालाब देख रहे हैं। तो गाइस देखिए, मंकी इज देयर। बाय, हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आज का जो ब्लॉग है, आज हम बिलहरी के ब्लॉग में आए हुए हैं और यहाँ पर जो बहुत ही अच्छा बिलहरी का मठ है, वहाँ पर हम ब्लॉग बनाएंगे, वहाँ की पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। फ्रेंड्स, यह है मैं मठ का रास्ता और हम अंदर की तरफ चलने वाले हैं। यहाँ से एंट्री है और ये जो रास्ता है, यह है बावली, इसे कहते हैं बावली। और बावली के नीचे की तरफ मैं लेके चलता हूँ आपको। और यह किला जो है करण सिंह ने बनवाया था और ये कम से कम 1000 साल पुराना मंदिर है। ये किला है 1000 साल पुराना और ये मंदिर है शिव शंकर जी का मंदिर है। जस्ट यहाँ पर जो बाजू में आपको दिख रहा है, यह है म्यूजियम। यहाँ पर 1000 साल से भी ज्यादा मूर्तियां पुरानी यहाँ पर अंदर रखी गई है। और जस्ट उसके बाजू में यह है, ये खंडर सा जो दिख रहा है आपको, अब 1000 साल पुराना तो खंडर तो होगा ही भाई। यहाँ पर घोड़े को बांधा जाता था। ये देखिए, ये किला जो बनाया गया था, उसको जो मसाला को पीसते थे, वह यहाँ पर देखिए आज भी 1000 साल पुराना यह मसाले को पीसने का जो भी ये मशीन कहूँ मैं या कुछ भी कहूँ, यहाँ पर मसाले को पीसा जाता था और मसाले को पीस कर इस पूरे किले को बनाया गया है। आप ये 1000 साल पुराना कितना पुराना है देखिए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, जैसा कि मैंने बताया था, शिव शंकर जी का यह मंदिर है, बहुत ही अच्छा सा, इस बहुत ही अच्छी प्यारी नक्काशी, ये देखिए आज भी कलरफुल। हेलो गाइस, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 1000 साल पुराना यह मंदिर या एक किला हमने दिखाया है। यहाँ पर आप जरूर घूमने आए कटनी और वीडियो को शेयर करें जिसमें और लोगों को मालूम चले। चलते हैं हम, और दूसरी जगह जाना है। हेलो फ्रेंड्स, तो हम रूपनाथ मंदिर के पहले एक तिगमा गांव है। तिगमा गांव में आपको मैं बताना चाहूँगा कि 5वीं शताब्दी के एक मंदिर है, शारदा जी माता जी का मंदिर है। और यहाँ पर मुझे जानकारी मिली है, भैया लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और भैया ने बताया है कि भैया ये कितना पुराना मंदिर है। ये लगभग बोर्ड में तो 5वीं शताब्दी के दर्शाया है जी जी। और गुप्तकालीन कर दिया है तो बताने का तो मुश्किल है कि कितना पुराना है। मतलब ये गुप्तकालीन मंदिर है, मतलब इसकी जानकारी भी नहीं है, इतना ज्यादा पुराना है कि यहाँ अगर आप रूपनाथ आ रहे हैं घूमने के लिए तो यह चीज, यह जगह भी आप जरूर घूमें। और यहाँ देखिए कितना पुराना है और हम चल रहे हैं, ये बहुत ही ज्यादा, मतलब 1500 साल आप समझ नहीं सकते यार, मुझे 100 साल बहुत लगता है लेकिन यहाँ 1500 साल। मैं आपको भाग्यशाली मानता हूँ कि यहाँ पर मुझे आने का ये अवसर मिला है। वो माता की इतनी सुंदर सी प्रतिमा, रानी का आशीर्वाद लेने मैं आया हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर और ऐसी वाइब यहाँ पर मिल रही है, ऐसा महसूस मुझे हो रहा है, मुझे बहुत खुशी हो रही है यहाँ अंदर आकर। आप एक बार जब भी रूपनाथ आएंगे तो यह मंदिर जरूर आए यहाँ पर। जैसा कि मैंने अभी बताया था कि ये 5वीं सती ईस्वी का ये मंदिर है, तो यहाँ देखिए लिखा भी हुआ है और मैंने बताया भी यह मंदिर के बारे में। फ्रेंड्स, यह जो आप मंदिर देख रहे हैं, ये कंकाली जी का मंदिर है, जो कि आपको मैं बताना चाहूँगा कि अभी सिलेबस में भी आने लगा है और मैं पास से जा रहा हूँ उसको दिखाने के लिए। ये बहुत ही ज़्यादा पुराने मंदिर है और यहाँ पर मुझे अभी जो जानकारी मिली है कि यह जो लिखाई आपको दिख रही है ना, इसे पढ़ने के लिए विदेशों से बुलाया गया है कि यह लिखा क्या है। और एक जगह और भी है यहाँ पास, नीचे देखिए, नीचे भी यहाँ पर लिखाई आप देख रहे हैं, इसको भी पढ़ने के लिए बुलाया गया है लेकिन ये कुछ समझ में नहीं आता है यहाँ पर। सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पर, यह जो यहाँ पर पत्थर है, ये पत्थर पूरा एक पत्थर है और इसकी कोई जानकारी नहीं समझ पे आ रही कि ये कैसे, क्या कैसे बनाया गया होगा, कैसे रखा गया होगा। विष्णु जी की मूर्ति है
जैसा कि हर फोटो हर चीजों में दिखाया जाता है, ये काली जी की मूर्ति है और इसे देख के ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वाकई में यह बहुत ही ज्यादा पुरानी है, बहुत ही ज्यादा प्राचीन समय की है। ये काली जी की यह मूर्ति आप जो देख रहे हैं, यह मूर्ति बहुत ही ज्यादा पुरानी है, बहुत ही ज्यादा, मतलब कि आपको मैं कैसे समझाऊं, ये 1500 साल से भी ज्यादा पुरानी है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें भैया मिले हुए हैं जो हमें जानकारी जिन्होंने दिया है, और भैया यहाँ पर जो मंदिर है उनके माता जी का क्या नाम है, कंकाली माता है, और यहाँ 1500 साल से भी ज़्यादा ये पुराना है, और यहाँ पर रिसर्च करने भी यहाँ पर टीम आ चुकी है कई बार, यहाँ पर रिसर्च के लिए भी टीम आ चुकी है, मतलब विदेशों से रिसर्च के लिए, और अपने इंडिया में भी आजकल रिसर्च के लिए जो होते हैं वो भी यहाँ पर रिसर्च के लिए आ चुके हैं। ये बहुत ही ज़्यादा पुराना मंदिर है, और सामने की तरफ मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो सामने की तरफ आप देख रहे हैं, जो एरिया देख रहे हैं, यह जो आप पत्थर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा मंदिर था। यह बहुत ही ज्यादा पुराना मंदिर है ना भैया, तो ये मंदिर था, ये पूरा मंदिर था, ये जितना आपको पत्थर दिख रहा है ये नीचे गिर चुका है, और यह सारा मंदिर था। यहाँ पर देखने पर इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना अच्छा महसूस हो रहा है, यहाँ आने के बाद आपको बहुत खुशी होगी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसा कि ये देखिए पूरा मंदिर था, अभी यह बहुत ज़्यादा पुराना हो चुका है, और यह है अभी तक मंदिर टिका हुआ है जो है काली जी का यह मंदिर। तो यहाँ पर आप जरूर आएं और यहाँ पर एक बार जरूर घूमें। दोस्तों जय शारदे माता की, जय कंकाली देवी की। यह ब्लॉग मुझे बनाने में बहुत ही अच्छा महसूस हुआ, यहाँ पर मैं आकर धन्य हो गया। आप भी एक बार यहाँ पर जरूर माता रानी के दर्शन करने आए, और 2000 साल पुराना मंदिर घूमने का शुभ अवसर आपको मिलने वाला है, तो यहाँ पर ज़रूर आएँ। और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। जय माता दी, ऐसे ही आप अच्छे रहें, खुश रहें, यही हम माता रानी से कामना करते हैं। मिलते हैं फिर से अच्छे और ऐसे ही डांस वीडियो ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।